बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव के बयान पर अब सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है और तेजस्वी के बयान पर अब आरजेडी का भी बयान आ गया है और आरजेडी का स्टैंड यह है कि तेजस्वी को बीजेपी को उन्होंने आईना दिखाया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आईना दिखाया है जो वो कर रहे हैं, तो जो पूरी पार्टी है वो तेजस्वी के बयान के साथ खड़ी है और आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी ने बीजेपी को आईना दिखाया है, जो सच बात है वो बताई है, बीजेपी राजनीति में धर्म को ला रही है। ये आरजेडी की तरफ से अब बात सामने आई है, बयान सामने आया है। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयान दिया, अब पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और आरजेडी की तरफ से बयान दिया गया है कि बीजेपी को तेजस्वी यादव ने आईना दिखाया है। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? तेजस्वी यादव जी ने तो आईना दिखाया बीजेपी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, ठीक ही न कहे। जो बार बार रोटी कपड़ा मकान रोजी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य पलायन की बात नहीं करते, तो इनसे जब पूछा जाता है कि महंगाई क्यों चरम पर है तो ये कहते हैं मंगलसूत्र, इनसे जब पूछा जाता है कि बेरोजगारी क्यों चरम पर है तो ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, फिर शिक्षा पर पूछिए, स्वास्थ्य पर पूछिए, मजदूरी पर पूछिए, किसान पर पूछिए तो ये कहेंगे पाकिस्तान, ये कहेंगे मंदिर मस्जिद। अरे इससे काम नहीं चलेगा, इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी ने आईना दिखाया कि बीजेपी की केंद्र की सत्ता अब खतरे में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हैट्रिक पर ब्रेक लगेगा तो इधर उधर की बात ना करें। हिंदू को कोई खतरा नहीं है और ये जितने लोग सनातन पर ज्ञान देते हैं इनको पता होना चाहिए सनातनी को और सनातन धर्म को मानने वाले को किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक लड़ाई है, इसे धर्म की लड़ाई पर ला रहे हैं। सेना को हिंदू से जोड़ना, सनातन से जोड़ना उचित है? देखिए जोड़ना का सवाल नहीं है, इस सवाल है जब ये हर चीज में धर्म की आड़ में सियासत कर रहे हैं, धर्म को आगे ला रहे हैं, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव जी ने एक संदेश दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।